गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जिन बच्चों का क्लास नहीं चल रहा, लिंक पे क्लिक करिए, कमेंट में जा रहा है, तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। लवकुश जी गुड इवनिंग, प्रमोद जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, रुद्र प्रताप जी गुड इवनिंग, मनोज यादव, रुद्र प्रताप, प्रियंका सिंह, दशरथ गेमिंग, नरेश, सुहानी प्रजापति, एलएस वर्मा, संदीप, शंकर, अंकुश, आदित्य, प्रिया शर्मा, इन सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, नीरज मधेसिया और नितिन। हाँ बेटा ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ठीक है चलो। तो जिनका भी क्लास अगर नहीं चल रहा है, मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके तुरंत आओ, फटाफट रिफ्रेश हो जाएगा और चलने लगेगा। मनोज जी बेटा ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवम शिवाजी गुड इवनिंग, अखिलेश यादव गुड इवनिंग, कुक विथ मीना जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गोपी चंद्र जी गुड इवनिंग, राजदीप पांडे, नाब्या, वर्तिका श्रीवास्तव। चलिए क्लास स्टार्ट होती है भाई, ऑर्डर आ गया तो चलो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग जान रहे हो। तो सभी बच्चों से हमारा एक ही अनुरोध है कि क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए बिना देर करे हुए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिए, बस इतना आपको करना है। फिर सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे खोपड़ी बुला के पटक देना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ लाइक करना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आना है, सिर्फ इतना काम करना है, बाकी सब मैं करूँगा। चलो इतना करो तुम लोग, मैं इधर बात करता हूँ तब तक, ठीक है? आओगे तभी पढ़ाऊँगा, अभी दो मिनट बाद शुरू करूँगा। चलो देखो बच्चों, हमने अभी जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको पढ़ाया था चर और अचर। ये चर और अचर मैंने पढ़ाया था, ये तुम लोगों ने पढ़ा था कि जो ए से लेकर के जेड तक के लेटर हैं वो सभी अचर कहलाते हैं या वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, क्या बोला मैंने, उल्टा बोला क्या, ए से जेड तक जो होते हैं वो चर कहलाते हैं, मतलब वेरिएबल, चर। ये जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वन से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटी तक, वो सभी अचर कहलाते हैं बेटा, मतलब कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। ये तो तुम जान रहे हो। अगर अचर पद का हम किसी का गुणा करें तो सीधा सीधा हमें एक गिनती प्राप्त होती है, एक गिनती प्राप्त होती है ना बाबू, जैसे तीन का चार में किया तो बारह हो गया। लेकिन जब हम चर पदों का गुणा करते हैं तो वो ऐसी कंडीशन में इस तरह से नहीं होता है, और हमारी यही क्या है, मुख्य प्रॉब्लम है। आज आपका जो चैप्टर 2.5 शुरू होगा उसमें इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है, तो इस कारण से मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सभी बच्चे ईमानदारी से बताना, क्या इसे कर लोगे या नहीं, बहुत ही देखो प्यार से। जिनको पढ़ना है सीखना है वो क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, कम से कम आधा घंटा देखेंगे, उन्हें लगेगा कि बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जिनको केवल YouTube पे खोजना बेटा, वो टहलते रहें, उनको कोई भी रोकने वाला नहीं। ये बताओ, अगर यक्स प्लस वन में हम तुमसे पूछें कि बच्चा यक्स से गुणा करो तो कौन कौन कर लेगा, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, यस या नो, कर लोगे या नहीं बताओ। रोशन, यशराज सिंह, एक घंटा पढ़ाई करवाते हो जिसमें से आधा घंटा ही चलती है। अच्छा, आधा घंटा का होता है बेटा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही तो समस्या है ना, क्योंकि तुम सुनते तो हो नहीं, हो बिल्कुल कुछ नहीं सुनते हो ना, समस्या ये है। चलो कर लोगे सभी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तुम कर लोगे तो अब दूसरे का जवाब दो, क्या तुम इसको भी कर लोगे, यक्स प्लस टू और यक्स प्लस थ्री, क्या इसको भी कर लोगे? देखो समझो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये सब हमें करना है। क्लास नाइन्थ में अगर हम हैं तो हमें ये आना चाहिए, हमारी ये बुक में है। मतलब तुम समझ रहे हो ना। चलो देखो, तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है वो आप लोग सीख लो, यहाँ से समझ लो बेटा। इसका आंसर बता दो अगर आप लोगों को आ रहा है तो, गुणा करना है, मल्टीपल कर लो। सर्वेश पांडे, रुद्र प्रताप, देखो यहाँ से समझो, यहाँ से समझो बेटा। जैसे अगर हमने लिखा, हमें क्या क्या सीखना है अभी, जो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, गुणांक
और घातांक, इसे बोलते हैं कोफिशियंट, इसे बोलते हैं घातांक को क्या बोलते हैं भाई बताओ आप लोग, इंग्लिश बताना इसकी। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 4x का स्क्वायर, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इसमें x का स्क्वायर का गुणांक क्या है तो क्या होगा, x के स्क्वायर का गुणांक क्या है तो क्या होगा आप बताओ मुझे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बचवा ये बताओ राजा कि 13x यहाँ पर घात जो है 5 है, हाँ मतलब 5 इस पे है चुरकी पे, तो इस पे घात क्या होगी बताओ, सोच के बताओ सभी, हाँ जल्दी से सभी बच्चे बताओ, यहाँ से समझो। देखो जो हमारा ये वेरिएबल है, जैसे हमने कहा यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे बेटा 4 है, जो यक्स स्क्वायर के साथ में है वो क्या है, वो गुणांक है। इसमें अगर हम बात करें यक्स की घात 5 का गुणांक तो क्या है, इसमें यक्स की घात 5 का जो गुणांक है वो 13 है, क्या है 13 है। लेकिन अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं, क्या पूछूं, इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा ये बताओ यक्स की घात 5 का गुणांक क्या है, हाँ यक्स की घात 5 का गुणांक क्या है बता लोगे। देखो जो ऊपर चुरकी पे लगा है वो क्या है, घातांक है, जो बगल में है उसके वो क्या है, गुणांक है, कोफिशियंट है, गुणांक और घातांक, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो आप समझ गए घातांक, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। चलो तो बेटा जो घातांक होता है इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए, अब हमें मतलब की चीज़ समझना है, बहुत ही प्यार से समझो, एकदम एक एक पॉइंट समझो। तो जब हम मल्टीपल करते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, अगर सभी जो चर हैं वो समान हैं तब, इस बात को याद रखना, ठीक है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, अगर चर समान हैं, वेरिएबल समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे अगर यक्स की घात 5 है बेटा, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स का घात 2 है, यक्स घात 3 है, सबका गुणा करेंगे तो कितनी घात आएगी मुझे ये बताओ, जल्दी से सभी बच्चे बताओ, अंकुश राज कितना आएगा अगर इसका गुणा करोगे तो घात कितनी आएगी, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, सब इस टाइप का मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओ तब। बलराज बॉस बताओ, मंस्टियर इनका नाम है, ये बनवारी, बेटा बनवारी तुम ही लगाओ कुछ किनारे मुझे, हाँ क्या आएगा इसका, कौन आंसर ना बताएगा का अभी तक, 10 बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, देखते हैं। तो बचवा क्या करते हैं बाबू, यक्स सब में है तो यक्स हो गया, इनकी घातें देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 × 1 = 6 = 2 = 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ये 11 होगा। देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, उनको ये कन्फ्यूजन है, जो 10 बता रहे हैं, अधिकांश 10 बता रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि चचा ये तो 5 है और ये 2 है, हाँ और ये 3 है, क्यों भाई तुम्हें यही लग रहा है ना, मतलब ये तुमको गरीब दिख रहा है, इसकी खोपड़ी पे तुमको घात नहीं दिख रही है, जिसके छोटा छोटा बार है उसको चट्टाहा मान लिए, उसके बारे ना उगेगा कभी भाई, जिसके छोटा छोटा भी है कल इतना इतना हो जाएगा, वो भी तेरे नाम झारेगा। तो इसकी भले कोई घात नहीं है लेकिन वो 1 मानी जाती है, याद रखना हमेशा 1 मानी जाती है, ठीक है समझ गए ना। तो इसकी घात भी 1 है बेटा, तो ये भी 1 जोड़ोगे, चाहे इधर उधर कहीं भी जोड़ लो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुक विथ मीना जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको, लेकिन विचार करेंगे आपकी बातों पे। ये कौन है, प्रियंका PBR स्टडी भाई, जो लोग बोल रहे हैं हाँ इनको ब्लॉक करिए व्हाट्सएप यादव जी, प्रियंका PBR स्टडी नाम से कोई आया है उसे ब्लॉक करिए, आप ब्लॉक करिए, देखो हमें ना लगाओ इसमें, हाँ चलो। तो कितना हो जाएगा, यक्स की घाते 11 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए ना सभी, ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे लग रहा है वीडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या,
गड़बड़ करेगा तो बताना। तो बेटा ये हो गया आपका। अगर हम इसी क्रम में आपसे एक और सवाल पूछें कि बताओ 3x^1 इंटू 3x और इंटू ये 45x^5 और इंटू x, इसमें मुझे बताओ कितनी घात आएगी। सभी बच्चे घात बताओ। हिमांशु वर्मा जी बताइए कितनी घात आएगी। हिमांशु वर्मा, इसकी घातांक कितनी होगी फाइनल में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि x^5 का गुणांक क्या है, तो कुछ लोगों को तो अभी x^5 दिख ही नहीं रहा है। हाँ, x^5 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखो एम ए 1 घात है, एम ए कुछ नहीं 1 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, यानी यहाँ है। तो x^5 का जो गुणांक है बेटा वो क्या है, 45 है। क्या है, 45 है इसका गुणांक। तो अगर हम इन सब का मल्टीपल करेंगे तो बच्चवा देखो 3 का 3 में हो जाएगा और फिर 9 का 45 में हो जाएगा। तो फाइनल में कितना आएगा, 9 5 45 और 9 4 36, 4 40 और 4 44। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। 9 का गुणा कर लो भाई, 9 5 45 हासिल 4, 9 4 36। अब भाई 36 4 40 है तो होगा, x^5 देखो 1 और ये 1 2 5 7 और 1 8, 405 x^8 आएगा। कितना आएगा, 405 x^8 आएगा। लिख लो सभी। वीडियो में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है मुझे लग रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा है का ये, बताना अगर थोड़ा हैंग वैंग करेगा तो। बिल्कुल टेंशन मत लेना तुम, हाँ ठीक है। प्रिंस श्रीवास्तव पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। 405 आएगा, 45 आएगा, 9 5 45 हासिल 4, 9 4 36, 4 40। ठीक है, अब यहाँ पे समझो अगला। ये तो तुम समझ गए, अब मैं जिसमें ज़्यादा नहीं जलाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग ये कहते हो आगे नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, तो मैं बहुत तेज़ पढ़ाऊँगा अब। चलो चलो चलो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो बेटा समझो, समझो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बहुत पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। ए सुनो, कल तो टेस्ट है ना, कल सैटरडे को टेस्ट है बेटा, 200 रुपये का इनाम रहेगा कल। कक्षा 9 में जो 4 से अधिक क्वेश्चन कर लेगा, 10 में से 4 कर लेगा, उसे 200 रुपये मिलेंगे। जैसे अब की बार देखो दीपांशु को मिला था, नाभ्या को मिला था, उसमें से हमें लग रहा है कोई लिया था कोई नहीं लिया था। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन कर लेगा, जैसे x^+1 है, इसका मल्टीपल कैसे करते हैं यहाँ से समझो। अजय पाल बेटा यही चलता है, क्लास यूट्यूब पर चलता है, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो बस चलेगा। इसमें क्या करते हैं भैया, बीच में प्लस लगाए ना, तो पहले यक्स को पकड़ के इस यक्स में गुणा करते हैं बेटा। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले यक्स का गुणा दूसरे वाले इसमें यक्स में करोगे तो ऐसे बनेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, ये यक्स का मल्टीपल 1 में करोगे बेटा तो यक्स इंटू 1 होगा, फाइनल में क्या करोगे यक्स का यक्स में गुणा यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यक्स का 1 में, तो ये यक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, आंसर आ गया। अमित पटेल आया कुछ समझ में। नाभ्या जी पढ़ाई वढ़ाई हो रही कि नहीं। बंटी सिंह बेटा पढ़ लो, हाँ पढ़ लो। PVR स्टडी ऐप में बिल्कुल क्लास होती है वर्तिका जी, बिल्कुल होती है, होती है क्लास, बहुत सारी क्लास होती है। ये समझ गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हो सभी। चलो देखो बच्चा, अब यहाँ से तुम समझो, ये तो एक छोटा सा था, अभी दो पद का दो पद वाले में गुणा करना पड़ेगा। आपके 2.5 में देखो तो दिया है, तो आज मैं तुमको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, आज मैं तैयार कर रहा हूँ तुम्हें उसके लिए। देखो जैसे अगर मैंने कहा कि यक्स का स्क्वायर इसका गुणा करना है बेटा, कह में करना है यक्स का स्क्वायर इसका गुणा करना है यक्स प्लस 5 में,
आप लोग मुझे आंसर बता दो इसका जल्दी से, कितना आएगा? चलो कितना आएगा मुझे इसका आंसर बता दो, तब हम माने कि हाँ तुम्हें आ रहा है। किसी को आ रहा है? ये स्टडी चैनल बेटा, तुम पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं तुम्हारे ऊपर सब गिरेगा। पढ़ लो जल्दी 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 करो। इसको ब्लॉक करो भाई, ये स्टडी चैनल नाम से कमेंट आ रहा है, इसे तुरंत ब्लॉक करो, नालायक कहीं का इडियट। एक लोग का कमेंट करे जा रहा है नाम ले लेके बार बार, तुरंत ब्लॉक करो इसे। चलो हो गया बंटी सिंह, तुम्हें मुझे नहीं लगता तुम सीआरपीएफ में हो। नहीं नहीं मुझे लग नहीं रहा कि सीआरपीएफ में हो, बहुत ही इज्जत के साथ मैं इन लोगों से बात करता हूँ जो हमारे देश की सेवा में लगे हैं, लेकिन आपके कमेंट से नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे समझिए, यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा करोगे तो भाई यक्स का स्क्वायर इंटू यक्स ये इतना हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगेगा। यक्स का स्क्वायर इंटू किस में हो जाएगा? फाइव में। ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरह का आपका ढांचा बनेगा, ठीक है? तो बच्चा अब क्या करोगे बाबू, यहाँ से समझो। अब मैं ये हेडिंग चाहे मिटा दूँ उससे कोई मतलब है नहीं। यक्स का घात दो है, इसका घात एक है, तो भैया ये फाइनल में घात हो जाएगी तीन, ठीक है? और पाँच का जब गुणा करोगे बेटा, देखो घात से कोई मतलब है नहीं, इस तरह का गुणा जो है वो घातांक में नहीं होता है, गुणांक में होता है। किस में होता है? गुणांक में होता है, ठीक है? कुक विथ मीना, दो घंटे की क्लास चलाई जाएगी लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, अभी ये क्लास फिर दो घंटे की एप्लीकेशन के अंदर ही पॉसिबल है, YouTube पे अभी नहीं पॉसिबल है, चलाएंगे भविष्य में, लेकिन अगर अभी पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन में चले जाओ, PVR स्टडी ऐप में। हाँ चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ समझना है कि यक्स स्क्वायर का गुणा पाँच में करेंगे तो क्या होगा आखिर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यादव जी आपको पानी पीना है, आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया सूख गई है, अभी बहुत पानी है दुनिया में। चलो देखो इसका गुणांक कितना है पहले कोई बताए, ये चचा का गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है, जल्दी बताओ भाई। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक वन है, जेके केहू ना सहाय हो के गणपत सहाय। चलो इसका गुणांक कितना है? वन है, तो पाँच का वन में मल्टीपल करोगे तो पाँच ही रहेगा, बाकी इसके घात वात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पड़ोसी के घर में कितना भी डांस हो रहा है और तुमसे बोल चाल नहीं है तो क्या करोगे, अपने खुद लो के ले जाओगे तो है नहीं, तो वही हाल इनका है। हाँ ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो ये फाइनल में आपका हो जाएगा पाँच एक्स का स्क्वायर, ये आपका इतना फाइनल हो गया, इसके आगे इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, इसमें कौन कौन जान रहा है कि ये दोनों जुड़ जाएगा, बोलो यस या नो। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों जुड़ जाएगा तो बोलो यस, और अगर लग रहा है कि नहीं जुड़ेगा तो बोलो नो। जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल भी देर नहीं करना, तुरंत करो भाई। बाबू देखो बिल्कुल देर नहीं करो, ऐसे मजा नहीं आ रही, दिल मत तोड़ो, जल्दी से बताओ। चलो व्हाट्सएप यादव जी आप पढ़ाई कर लीजिए, नहीं अभी वाइफ के चक्कर में यहाँ पाइप निकल जाएगी, फिर मार पड़ने लगेगी। हाँ पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है, बेइज्जती नहीं। हाँ चलो देखो, अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये जुड़ जाएगा, बेटा यहाँ से समझ लो, ये दोनों नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। कभी देखे हो शेर के साथ बकरी की शादी हो जाए, बताओ देखे हो? हाँ शेर के साथ बकरी की शादी हो जाए देखे हो? नहीं देखे हो ना। कुत्ता के साथ बंदर की शादी हो जाए, नहीं देखे हो ना। बंदर की बंदर में होती है, कुत्ता की कुत्ता में होती है, शेर की शेर में होती है, इंसान की इंसान में होती है, यहाँ तक कि तो इंसान की तो बात ही अलग है, इंसान की तो धर्म अलग होना चाहिए, जाति अलग होनी चाहिए, तब होती है, मतलब एक होना चाहिए। तो भैया इनकी भी वही कुछ हाल है, इनकी घात देखो तीन है, इनकी क्या है? दो है। इसमें दो चीज़ देखा जाता है,
जैसे हम लोगों में अगर बात करें, देखो थोड़ा व्यवहारिक समझाएं तो समझ पाओगे, अगर शादी की बात करें जो कि हर किसी को समझ में आ जाता है बहुत आराम से, छोटा पिल्ला भर का बच्चा है उसको भी समझ में आ जाता है, तो पहला नंबर तो धर्म एक होना चाहिए, दूसरा नंबर जाति एक होनी चाहिए जो हमारे समाज का माहौल है उसके अकॉर्डिंग, बाकी कानून और नियम और संविधान के अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो हर कोई किसी भी कास्ट या धर्म में कर सकता है, बस 18 साल का होना चाहिए। तो लेकिन वो मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ भी इसमें से दो रूल लागू होता है, दो रूल लागू होता है। पहला पहला इनकी कास्ट एक होनी चाहिए, कास्ट का मतलब ये एक ही प्रकार की एक ही जाति के चर होने चाहिए, यानी अगर इसमें यक्ष है तो इसमें भी यक्ष ही होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यानी ऐसे समझ लो, अब तुम ऐसे समझ जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला नंबर जैसे आपके अगर सिस्टम में बात करें तो धर्म एक होना चाहिए, तो इनमें क्या भैया, इनमें चर एक होना चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ से समझो दोनों, बहुत मस्त समझ में आएगा, भूलोगे नहीं कभी। दूसरा क्या एक होना चाहिए, एक ही हमारे इस देश समाज में शादी करने के लिए धर्म एक होना चाहिए, जाति एक होनी चाहिए, हाँ मतलब नॉर्मली जो सामाजिक लोग मानते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, चर बराबर होना चाहिए और घात बराबर होना चाहिए, समझ गए ना। कब इनको जोड़ने के लिए, ये तब जुड़ेंगे जब इनका नंबर एक चर बराबर हो, नंबर दो घात बराबर हो। जैसे तुम देखो ना, मान लो दो लोग का धर्म एक है, हाँ एक लोग क्या है, पटेल जी हैं, एक लोग पांडे जी हैं, भाई पटेल और पांडे दोनों हो गए धर्म तो एक हिंदू हो गए, लेकिन उनकी जाति अलग अलग है, तो इसलिए क्या होगा, इस समाज स्वीकार नहीं करेगा इस प्रकार की शादी को, नहीं। वैसे ही इसमें है, इसमें देखो इनका चर तो बराबर है, दोनों में यक्ष है, इसमें दोनों में क्या है, दोनों में चर यक्ष है, लेकिन इनकी घातें अलग अलग हैं बच्चा, इनके जाति अलग अलग है। घातें कैसे अलग हैं, इनमें देखो तीन घात है, में दो घात है, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो। देखो हमारी कोशिश ये होती है कि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम किसी भी तरह से समझ जाओ, और अगर जो समझने की कोशिश किया होगा इसको पक्का समझ गया होगा, वो भूलेगा नहीं लाइफ में कभी। ये तब जुड़ता बेटा जब ये ऐसे होता, यक्ष की घात दो होता प्लस ये पांच यक्ष की घात दो होता, अब ये जुड़ जाता, अब ये जुड़ जाता, कैसे, इनकी घात दो है, इनकी घात क्या है, दो है, तो घात से कोई मतलब नहीं है, जुड़ता है तो गुणांक जुड़ता है, गुणा होता है तो गुणांक का गुणा होता है, तो यहाँ पर क्या है, वन है, यहाँ पर क्या है बच्चा, पाँच है, तो ये दोनों जुड़ता ना तो पाँच और एक का हो जाता छः, और यक्ष की घात दो थी तो घात वही रहेगी, जोड़ने पर घात में कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ने पर घात में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी घात रहती हमेशा उतनी ही रहती है, लेकिन गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना। अगर कहीं दो भी दो वेरिएबल्स को, सॉरी यार क्या बोलेंगे, दो बीजीय व्यंजक, दो बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप ऐड कर रहे हो तो कभी भी उनकी घातें नहीं बदलती हैं, घातें उतनी ही रहती हैं, लेकिन अगर उनका गुणा कर रहे हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये 1999 का एग्जाम्पल नहीं है, एक ये आज का एग्जाम्पल है, आज का समाज स्वीकार नहीं करता है, देखते हो लोग मार देते हैं अगर कोई कर लेता है ऐसा, तो ये अगला कौन कर रहा है भाई टाइम आउट, अगला कौन कर रहा है, ये मिस्टर, ये पीबीआर स्टडी इलाहाबाद से, और कौन कर रहा है, क्या नाम, पीतेंद्र जी आप कर रहे हो क्या, बोलो जल्दी, हाँ हाँ कमेंट देख रहे हो क्या आप, चलो तो ये हो गया, आप लोग कर लोगे, अब आप कमेंट देख रहे हैं अगर तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर मैं हटाने वाला हूँ आपको, बताइए जल्दी बताइए, शुभम सिंह को हटाइए भाई, शुभम सिंह को हटाइए। देखो यहाँ से समझो, आगे क्या है समझना, यहाँ समझो, अब मुझे आप लोग बताओगे यक्स प्लस वन का यक्स प्लस वन में मल्टीपल करना है, ये दिया गया है, ठीक है, चलो बोलो
जल्दी बोलो। चलो ठीक है, सब कुछ मस्त चल रहा है। आदि त्रिपाठी देखो यहाँ से समझो बेटा, समझो यहाँ से, इनका मल्टीपल करना है, आप मुझे आगे बढ़ाना। ये आपके 2.5 एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज 2.5 में दिया, ये कहीं अलग से नहीं है, ये चैप्टर का है आपके, पढ़ लो मैं बता रहा हूँ। रुक जाओ, तुमको मैं किताब खुलवा देता हूँ, एक मिनट बेटा। देखो सर्वसमिकाओं का गुणा करना है ना, ठीक है। पहले हम तुम्हें लांग विधि सिखाएंगे, लंबी विधि वाला पहले सिखाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले लंबी विधि वाला समझो, अगर इनका दोनों का गुणा करना है तो जो स्टैंडर्ड तरीका है पहले उनको समझो, बड़ी ईमानदारी से समझो। मैं कमेंट देखूंगा तो पागल हो जाऊंगा, मर जाओ तुम लोग कमेंट में। अब और क्या बोलूँ, आत्मा से यही आवाज़ निकल रही ना। देखो यक्ष का क्या करेंगे, पहले इस यक्ष को पकड़ेंगे और इसमें दोनों में बारी बारी गुणा करेंगे, समझो। तो यक्ष का मल्टीपल बेटा यक्ष में करोगे तो फाइनल में ये आपका बन जाएगा यक्ष इंटू यक्ष, ठीक है। इस यक्ष का मल्टीपल मैंने यक्ष में कर लिया, अब मेरा ये काम हो गया खत्म, अब ये सीधा सीधा इसके लिए हो गया, ठीक है। अब बीच में कौन सा साइन है, देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, लेकिन तुम्हें चिन्ह ये देखना है। अब इसी यक्ष का गुणा इस दो में करोगे तो ये दो गुणे यक्ष होगा, या फिर यक्ष गुणे दो होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, यक्ष गुणे दो होगा, ठीक है। ये हमने यक्ष को पकड़ के इसमें दोनों में गुणा कर दिया, क्या किया, यक्ष को पकड़ के दोनों में गुणा कर दिया। अब तुम समझो यहाँ से, और कुछ यहाँ से समझो, ये हो गया। अब देखो हमें ये वन पकड़ना है, इससे इनमें दोनों में गुणा करना है, ये चीज़ समझो। थोड़ा बहुत आसान नहीं है बेटा, अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है, बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो कभी लाइफ में समझ में ना आएगा, ये समझ लो, ये बहुत आसान नहीं है। जितना तुम लोग चैटिंग पैटिंग करे जा रहे हो ना, कभी आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे प्लस वन का मल्टीपल करो पहले यक्स में, तो वन का यक्स में करोगे तो वन इंटू यक्स हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ चिन्ह लगा के लिख दो, बाकी काम बाद में करना, तो वन इंटू यक्स हो जाएगा। फिर बीच में देखो प्लस है तो प्लस, और टू का वन में करोगे या वन का टू में करोगे तो वन इंटू टू हो जाएगा। ये आपकी पूरी प्रक्रिया है जो मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। कुक विथ मीना, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, कुक विथ मीना तुम 5 घंटे भी पढ़ सकती हो या पढ़ सकते हो। PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाके ज्वाइन कर लो, समझ में आया ना बात, बस मैं ये भी यही बता रहा हूँ, आप समझ जाओ। चलो अब यक्स का यक्स में करोगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दो का यक्स में करोगे दो यक्स हो जाएगा, यक्स का वन में करोगे बेटा यक्स हो जाएगा, दो का एक में करोगे दो हो जाएगा, ये फाइनल में आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अभी जुड़ेगा तो यक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा, ये आपका फाइनल वाला आंसर हो गया। मतलब आपके गुणनखंड ये दोनों थे और आपका फाइनल आंसर ये आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जानते हो अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, हाँ जानते हो कि नहीं बोलो, क्या आप जानते हो कि अगर हम इसका गुणनखंड करें तो ये दोनों आएगा, सभी बच्चे बोलो हाँ। चले आगे, अब इसे कर लोगे ना सभी, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। वर्तिका जी नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, कैसे ज्वाइन करें क्या करें उस पे संपर्क करो, उस पे संपर्क करो, दिन में सब बताएंगे। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन और बताओ बेटा, एक ठीक और बताओ छोटा सा। अगर हम तुम्हें कहें कि यक्ष का 3
और ये यक्स प्लस वन, इसका गुणा करो तो कितना आएगा? कोई मुझे बताएगा कितना आएगा? रेनू चौधरी जी बताइए कितना आएगा? कोशिश तो करो ना भैया, कोशिश तो कर लो ना तुम, आएगा आएगा कुछ भी आएगा, कोशिश कर लो एक बार। देखो मैं बता रहा हूँ, समझो यहाँ से, सभी बच्चे यहाँ से समझो, अब हम उतना बड़ा स्टेप नहीं करेंगे जितना पहली बार किए थे, अब इसे हम थोड़ा जल्दी में पूरा करेंगे, ठीक है? थोड़ा जल्दी में पूरा करेंगे, उतना बड़ा स्टेप नहीं करेंगे। आप लोग सभी बच्चे इस क्लास को लाइक करो, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही, ये जान लो। तुम लाइक तो कर नहीं रहे हो, जितने लोग जुड़े हो उसमें आधा लोग नहीं लाइक करा है। जल्दी सभी बच्चे सेशन को तुरंत लाइक करो, देर मत करो एको सेकंड की, बहुत जल्दी करो। मनोज सिंह बेटा करे नहीं हो तुम? हिमांशु PBR स्टडी एडिटर, आप व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दीजिए, निवेदन है, अगर आप खाली हैं तो, ठीक है? आप कमेंट के पीछे मत पड़िए, PBR स्टडी एडिटर आप कमेंट का रिप्लाई और व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दीजिए, अगर खाली हैं तो कमेंट के पीछे मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी सुनने वाले नहीं हैं, ये आपकी सुनने वाले नहीं हैं। देखो अब मैं इस पर चलता हूँ भाई, सभी जल्दी सेशन को लाइक करो, अगर अगली क्लास भी तुम्हें पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है। इसमें यक्स का मल्टीपल करोगे बेटा यक्स में, तो बाबू आपका ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, ठीक है? फिर प्लस का साइन लगाओगे, क्यों? क्योंकि हम यक्स का यक्स में करने के बाद अब इस पार आएंगे वन में, और वन के पहले प्लस है इसलिए यहाँ फिर प्लस लगाओगे। अब यक्स का मल्टीपल वन में करोगे बेटा तो ये यक्स हो जाएगा, इतना ठीक है? हमने यक्स को पकड़ा, इन दोनों में गुणा कर लिया, अब हम ये तीन को पकड़ेंगे, इन दोनों में गुणा कर लेंगे। तो तीन को पकड़ के यक्स में गुणा करोगे, तीन के पहले प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस तीन यक्स। अब तीन को पकड़ के वन में मल्टीपल करोगे बेटा तो वन के पहले प्लस है, तीन के पहले भी प्लस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, तीन का एक में करोगे तो तीन हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका सिस्टम है, बहुत ही आसान है, इस तरह से क्या है, बहुत ही आसान है ना? तो फाइनल आपका ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस ये तीन यक्स और एक यक्स जुड़ जाएगा बेटा तो ये चार यक्स हो जाएगा, और ये आपका तीन का ऐसे तीन रह जाएगा, है ना? कितना आसान, बोलो आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं? बेटा रवि शंकर तुम इतना नाम बदलते हो ना, तुम्हारी बहुत सारी आईडी ब्लॉक है, समझ रहे हो ना? तुम क्यों बदलते हो भाई, क्या मिलता है तुम्हें, क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है, चाहते क्या हो तुम? क्वेश्चन नंबर छठवां, यहां से समझो, सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो आगे, आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जा, रुक जा भाई, 2.5 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन, x प्लस फोर एंड x प्लस टेन, x प्लस फोर एंड x प्लस टेन, इसका मुझे जवाब दो, सभी बच्चे मुझे जवाब दो इसका, चलो जल्दी बताओ कितना आएगा, बहुत जल्दी करो। इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो, जिनको नहीं आ रहा वो नो लिखें, एन ओ नो, जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करें, एन ओ नो, जल्दी करो, जिनको आ रहा वो आंसर बताओ। जल्दी करो भैया, देखो बहुत टाइम नहीं है। संदीप कुमार बेटा जवाब दो, कर पाओगे या नहीं? देखो पानी की जगह मैं स्याही पीने वाला था, अभी वो तो कहो पिया नहीं। लग रहा है तेज से ना, चलो अभिलाष, नरेश, हरिकेश, बलराज, प्रेमचंद, मनोज,
बच्चा नरेश तुम क्यों ना कर पाओगे, क्योंकि तुम बहुत चैटिंग करते हो ना, तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। हेलो प्रियंका, कैसी हो? पूजा बेबी, क्या कर रही हो? हाँ, तुमको तो सिर्फ इतना ही करना है। मैं तुम्हारा कमेंट रोज़ देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि तुम कितना करते हो, कब तक करते हो। देखो क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो कह रहा नहीं, क्वेश्चन नहीं। देखो ठीक है, ये सिंपल सा है। यक्ष का मल्टीपल यक्ष में करोगे बेटा, तो यक्ष का पहले यक्ष में, तो यक्ष का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर यक्ष का मल्टीपल जब मैंने यक्ष में कर लिया तो यक्ष का स्क्वायर हो गया। अब यक्ष का गुणा हम करेंगे 10 में। भाई यक्ष का एक बार इस यक्ष में कर लिया, अब 10 में करेंगे, दोनों में बारी बारी करते हैं ना, तो 10 में करेंगे बच्चा, तो ये 10x हो जाएगा। इस तरह से हमारा आधा काम पूरा हो गया। हाँ, आधा काम पूरा हो गया, हमने यक्ष को पकड़ के इन दोनों में गुणा कर दिया। अब हम ये प्लस 4 लेंगे, 4, 4 का मल्टीपल इस यक्ष में करेंगे बेटा, तो ये 4x, और फिर इसी 4 का मल्टीपल इस 10 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 4×40। बस इतना ही करना है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल प्यार से देखो, जिसको ना समझ में आएगा बता देना, मैं फिर बताऊंगा अलग तरीके से, टेंशन मत लेना तुम, बस केवल देखना, बस जाना नहीं। चलो 10x का गुणा 4x में करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 14x, और प्लस ये 40 वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर था, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, अध्याय 1.1, प्रश्नावली 2.5, प्रश्नावली 2.5, प्रश्न संख्या पहला का पहला। संदीप कुमार, सोनू गेमिंग, इस पानी को पीने से कुछ हो नहीं रहा मुझे लग रहा है, बुझ तो रही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या पीना है इसे। देखो समझो, ये तुम लोग कर लोगे। अब इसी में का बुक का दूसरा पार्ट, यक्स प्लस 8 एंड यक्स माइनस 10, इसका मल्टीपल करो कितना होगा, कोई बताए एनीवन? देखो बहुत जल्दी जल्दी करवा दे तबो नहीं मजा आती है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाए तबो नहीं मजा आती है। हाँ राहुल यादव बेटा, चलेगा सब चलेगा, परेशान ना रहो। हाँ चलो देखो आगे समझो, इनका भी कर लेंगे। वैसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ माइनस है, यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है? चिन्ह माइनस है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, तो बेटा यक्स का मल्टीपल यक्स में करोगे फाइनल में तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स का मल्टीपल 10 में करोगे तो माइनस, ध्यान रहे ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस का 10x आएगा, ये बात मत भूलना तुम। हमने यक्स को पकड़ करके इन दोनों में गुणा कर दिया बारी बारी, हमने इस वन पद को पकड़ा, इन दोनों में कर दिया। अब ये प्लस का 8 पकड़ेंगे, प्लस है पहले तो प्लस, 8 का मल्टीपल जब यक्स में करेंगे बेटा तो 8x होगा, मैंने वही लिखा है। अब इस 8 यानी 8 का गुणा 10 में करेंगे, ये 10 माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10×8=80, ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया आपका फाइनल हो गया। अब बच्चा ये यक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये आपका माइनस का 10x, ये प्लस का 8x, एक प्लस एक माइनस से घट जाएगा तो माइनस का 2x आएगा। तुम कहोगे माइनस का चिन्ह क्यों लगेगा, तो देखो बेटा माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है, जो गिनती बड़ी होगी चिन्ह उसी का लगता है। अगर ये प्लस 10x होता, ये माइनस 8x होता, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का लगता, ठीक है? यहाँ पे क्या लगता, प्लस का चिन्ह लगता, लेकिन 10 बड़ा है और इसकी चिन्ह माइनस है 10 के पहले, 8 छोटा है, 8 के पहले प्लस है, तो जो बड़ा होता चिन्ह उसी का लगता है। ये माइनस 80 ऐसे उतर जाएगा, बस हो गया आपका फाइनल हो गया। सबको समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना बाबू? आ रहा समझ में? तो सभी साथी क्लास को लाइक करो जल्दी से, देर ना करो भाई। देखो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है यार, क्लास को लाइक जरूर किया करो, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलो। हाँ चलो
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे सवाल तुम कर लोगे। अब मैं तुम्हें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो तुम्हें समझने लायक है। देखो यहाँ पे समझो बेटा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या है वो चीज़ समझ लो यहाँ से। और एक चीज़ मैं तुम्हें और भी बता दूँ क्या, कल आप लोगों की दिन में क्लास होने वाली है, बहुत बड़ी क्लास, सही रहेगा कि नहीं? हाँ, कल दिन में आपकी बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, सही रहेगा ना? लंबी चौड़ी क्लास होगी, कम से कम 6 घंटा की। कौन कौन पढ़ेगा? मैं टाइम बता दूंगा अभी लास्ट में, लेकिन मैं पहले ही बता दूंगा। कल बच्चा देखो दोपहर में रखते हैं 12 बजे से, हाँ 12 बजे से कम 4 बजे तक क्लास होगी, ठीक है। मैथ का बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा, 9th का, 4 बजे से और ज़्यादा बजे तक भी हो सकती है, सही रहेगा ना? कल दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक। अभी कोई जाएगा नहीं, अभी तो पढ़ाई हो रही है। 12 बजे से 4 बजे तक, चाहे जब आना तुम, शुरू से जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा। कल 12 बजे से 4 बजे तक। देखो बेटा यहाँ से समझो और आगे, आगे क्या समझना हमें, बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, समझो। देखो अगर 5 का गुणा करोगे बेटा +3 में, तो ये बताओ मुझे कितना आएगा इसका आंसर, सभी ईमानदारी से बताना। अगर 5 का गुणा +3 में करोगे तो क्या आएगा? इसका आंसर तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है जो वो चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा। तो बेटा अगर दोनों प्लस प्लस है तो हमेशा चिन्ह प्लस में ही आता है, ये मैं चिन्ह का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ से सीख लो चिन्ह का कॉन्सेप्ट। अगर ये प्लस है, हाँ 5 लिखो, और ये माइनस है, तो क्या आएगा, जरा सोचो आप लोग क्या आएगा। बेटा अगर 1 प्लस 1 माइनस तो चिन्ह हमेशा माइनस आएगा, याद रखना, क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन सोचो अगर पहला वाला माइनस हो जाता और दूसरा वाला प्लस हो जाती, हाँ तब क्या आता, तब भी चिन्ह हमेशा चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी दोनों में से कोई भी अगर प्लस हुआ और कोई एक माइनस हुआ, दोनों अलग अलग अगर हुए तो हमेशा माइनस ही आएगा। और कहीं दोनों ना लायक हो जाए तब ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिलता है, ये निष्कर्ष निकलता है बेटा कि दोनों चिन्ह अगर समान है तो प्लस होता है, अगर दोनों चिन्ह समान है तो प्लस होता है, अगर इसमें कोई भी अलग है तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। ये चिन्ह का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें सीखने के लिए बताया हूँ, बाकी यहाँ 15 से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना सभी भाई, समझ रहे हो ना? चलो अब हम कॉन्सेप्ट वाले थोड़े थोड़े कुछ सवाल पूछेंगे, आप लोग उसका मुझे जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाले थोड़े थोड़े सवाल आप लोग बताओ, अब चैप्टर खत्म कर दें, क्या चाहते हो? सभी बच्चे 9th वाले अभी और पढ़ोगे कि नहीं, बंद करें? अभी और पढ़ोगे कि बंद करें? देखो जो छटपटा रहे, कमेंट नहीं कर पा रहे बेटा, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम कमेंट नहीं कर पाओगे, हाँ तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो ये हो गया आपका 3 पार्ट हो गया बेटा, इसके आगे मैं तुम्हें कुछ और बताऊं। हाँ कल टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट तो शाम को 7 बजे होगा ना, जो 4 घंटे का लाइव होगा कल दोपहर में 12 बजे से होगा वो शाम को 4 बजे तक, और टेस्ट तो शाम को 7 बजे होगा, हाँ टेस्ट तो शाम को 7 बजे होगा। देखो जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं परेशान है बेटा, इसका चौथा बड़ा खतरनाक है, ये पार्ट देख लो पहले तुम, चौथा पार्ट, y का स्क्वायर +3/2 और y का स्क्वायर -3/2, y का स्क्वायर -3/2, ये क्या है, ये आपस में गुणा करना है, इनको क्या करना है बच्चा, इनको आपस में मल्टीपल करना है। यहाँ से तुम तरीका सीख लो बेटा, तरीका सीख लो यहाँ से,
तरीका सीख लो। देखो अब इनका भी वैसे ही गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बन रहा है। वो कौन सा चीज बन रहा है? यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, सूत्र उत्र लेकिन लगेगा क्या? सूत्र तब बनता जब ये कुछ ढंग का होता, तब। यहाँ पे तो कुछ ढंग का मुझे लग नहीं रहा है। आप लोग बताओ इसको चल जाएगा क्या? ये हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं? देखो फार्मूला और मूला बनेगा काय में, हो जाएगा कि नहीं? कमल किशोर को ब्लॉक करो भाई, कमल किशोर को ब्लॉक करो, इसे जल्दी ब्लॉक करो इसे। देखो बेटा अगर मैं बोलूं कि ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, हाँ बन जाएगा। देखो समझो, यहाँ पे देखो अगर इसको a मानो, इसको b मानो, मान लो अगर देखो बन जाएगा, माना y स्क्वायर बराबर a और 3/2 बराबर b, तो बेटा ये बन जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो फाइनल में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्यों भाई साहब, यही होगा ना बाबू? तो इधर लाके मान रख दो ना, a का स्क्वायर का मतलब, ए का स्क्वायर का मतलब वाई का स्क्वायर, हाँ ये वाई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो फाइनल में हो जाएगा बाबू आपका वाई का घात 4 माइनस 3^3 9/4, वाई का घात 4 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? हरिकेश जी समझ में आ रहा है? हाँ आभा त्रिपाठी आ रहा समझ में? ठीक है, अभी हमारी कोशिश होगी रात के 9 बजे भी तुम्हारा रिवीजन करवा दिया जाएगा, रात के 9 बजे भी एक लाइव होगा, उसमें भी पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है ना बच्चा? चलो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो, तुम्हें बहुत सारी क्लासें मिलेंगी 24 घंटे में। हम कई क्लास चलाते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो बस। चलो बहुत बोलना पड़ता है ना, बड़ी एनर्जी जाती है। सच्ची बता रहा हूँ, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है भाई, आदमी पागल हो जाए बोलते बोलते। कुछ खावा के आता हूँ का? हाँ जाए खावा के आए का, तुम लोग पढ़ते रहो आराम से, सही रहेगा कि नहीं? मुझे पता है तुम कैसे पढ़ोगे तब तक। चलो देखो आगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया भैया, इतने लोग हैं मैं आंसर दूंगा तो फिर हो ही गया, आंसर देता रहूंगा। अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर सभी कर लोगे? हाँ हाँ, टेस्ट होगा कल, कल टेस्ट होगा सुबेरे 7 बजे, तुम लोग आना। चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ से देखो, इसका 5वां पार्ट देखो, ये क्या कह रहा है? 3 - 2x और 3 + 2x, इसका आंसर कर लोगे फिर उसके बाद आपका पहला सब खत्म हो गया। इसका कर लेना, आपका पहला खत्म हो जाएगा, और आज का जो क्लास है वो मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन अभी ऐसे नहीं ख़त्म करने वाला, पहले इसका जवाब दो, जल्दी बताओ ये कितना आएगा, फटाफट, देर ना करो भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, कहीं जाना नहीं अभी, जल्दी बताओ कितना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो बताओ फटाफट, उसके बाद एक और बताओ। देखो ये सारे चीज़ तुम्हें आने चाहिए बेटा, अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम गड़बड़ हो रहे हो। इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ, अगले वाले का आंसर बताओ, यक्स प्लस 0 इंटू यक्स अपान 5 इंटू यक्स की घात 5 और एक के घात 3, इसका आंसर कितना आएगा? दूसरे वाले को बताओ कितना आएगा, कमल किशोर बाटा समझ में आ रहा है? नितिन गुप्ता आदि त्रिपाठी बताइए कितना आएगा। देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है ये, इसका देखो मल्टीपल करेंगे, ये देखो खोपड़ी पे ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, फाइनल में अगर हम इसको दिखाएं तुम्हें तो ये ऐसे बन जाएगा,
ऐसे बनेगा ना, तो ऊपर का जो दो घात है बेटा, नीचे का क्या है, चार घात है। इससे ये मान लो एक प्रकार से घट जाता है। अगर मैं डीटीएल में बताऊं तो इसे समझो, देखो डीटीएल में समझो इसे, अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो देखो कैसे। देखो बच्चा ये x का जो स्क्वायर है बाबू, ये तो ऐसे x का स्क्वायर रहेगा ही, ये नीचे x की घात चार हो जाएगा। हाँ मार्कर देखो मेरा भीग गया है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, स्याही भर लेता हूँ। कितना आएगा इसमें रामजग बिंद्रा बताइए, कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा। अबे निकल जा, काहे को मेरी बेइज्जती करवा रहा है। कितना आएगा जल्दी बताओ। देखो हर कोई कर लेगा, बिल्कुल भी तुम टेंशन मत लेना एक भी पैसे का। कर लोगे ना सभी, चलो ठीक है। देखो बच्चा उसमें यक्स का स्क्वायर से जो दो घात है ना वो कम हो जाएगी। हाँ दो घात कम हो जाएगी ना। अभिलाष का उत्तर आ रहा, विजय कुमार बहुत अच्छे, विजय जी सही है, गोपी चंद्र, उजमा का भी सही है, पूजा कुमारी ठीक है। भैया ये ऐसे हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर का मतलब है यक्स गुणे यक्स। हाँ यक्स की घात चार का मतलब है यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स, ये इसका मतलब है। थोड़ा पोस्टमार्टम करने पे समझ में आ रहा है। तो बेटा एक यक्स से एक यक्स, दूसरे यक्स से दूसरा यक्स, फाइनल में ऊपर एक बचा होगा कुछ नहीं है तो, और नीचे दो ठी यक्स बचा है, मतलब यक्स का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा डिटेल में ले जाने के बाद समझ में आता है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा चचा, एम देखो जीरो है, एक जीरो है ना, बाकी सब गुड़ा है ना, तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, केवल एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नालायक निकल गया ना तो सबको डुबो देगा। बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था। मीरा समझ में आ रहा है? नीरज चलो तो मैं मिटा देता हूँ इसे, आप लोग ये सब कर लोगे ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आपको क्लास का टाइम पता है? हाँ सभी बच्चों को क्लास का टाइम पता है कि क्लास कितना बजे होती है? क्लास रोज शाम को 7 बजे होती है। कितना बजे होती है बेटा? शाम को 7 बजे होती है। बंद करा जाए क्या? मुझे लग रहा है अब मन नहीं लग रहा ना, तुम लोग का मन नहीं लग रहा है ना। अच्छा सर्वसमिका वाला कुछ करवा देता हूँ, थोड़ा रुको। हाँ, रुक जा। सूत्र लिखो, सूत्र लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद करके आना, नहीं याद करे ना तो कल से पड़ेगी। लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो बताओ क्या होगा ये, कोई बताए मुझे क्या आएगा। अभी कुछ लोग ज़्यादा छटकेंगे जब मैं बताऊँगा तो कहेंगे हाँ मुझे आ रहा है। कितना आएगा बताओ? देखो समझो बेटा, यहाँ पे आपका ये a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये सूत्र है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसे। कुछ लोग 2ab को पहले भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों सही होता है। ये अगर तुम ऐसे भी लिखते हो तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये दोनों सही है, चाहे तुम इसको लिखो चाहे उसको लिखो। बीच में इसमें r लिख सकते हो, ORR, R का मतलब दोनों सही है। जो माइनस वाला होता बेटा ये ऐसे होता है, ए का स्क्वायर माइनस, नहीं पहले उस सिस्टम से लिखते हैं, ये बी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस होता है, ठीक है। यानी हमारा जो दो वाला है ये माइनस होता है, बाकी इन दोनों में ये प्लस होता है, याद रखना। चिन्ह का कन्फ्यूजन बच्चों को अक्सर हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो बेटा चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसे अथवा ऐसे भी लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों तरीका क्या है, सही है, ठीक है। ये फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है राजा, याद करके रखना बाबू। एक ठीक छोटा सा फार्मूला है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये आपका हो जाता है x माइनस y एंड x प्लस y। इसको चाहे तुम ऐसे लिखो या तुम इसको पहले लिख दो, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई।
ये दोनों सही है, अलग अलग जगह तुम्हें अलग अलग तरह से मिल जाएगा, तो तुम ये मत कहना कि ये सही है ये गलत है, या ये गलत है वो सही है, ये गलत है वो सही है, वो सही है ये गलत है, ये सब सही है, ये सब सही है। जैसे ये कान पकड़ के इधर से खींच रहे हैं इसे तो दांत निकल जा रहा है ना, वैसे अगर हम इसको इधर से खोपड़ी से घुमा एक पकड़ खींचेंगे तब वो निकलेगा, समझ रहे हो ना, इसको इधर से खींच रहे तब वो निकल रहा है, इधर से खींचेंगे तब वो निकलेगा, यानी दर्द उतना ही होगा है। वैसे इसमें भी होता है, चाहे जैसे भी गुड़ा करो वो आता उतना ही है। चलो सभी बच्चे क्लास को लाइक करो बाबू, देखो ऐसे मज़ा नहीं आ रही, ठीक है, तुम लोग समझते नहीं हो मेरे दिल की बातें, जल्दी से लाइक करो, देर ना करो, जिम्मेदारी समझो अपनी और हम लोग आगे बढ़ते चलें, ठीक है। इसमें एक सर्वसमिका होती है बेटा, जब हम लोग समीकरण बनाते हैं यक्स प्लस ए एंड यक्स प्लस बी वाली, इसको भी लिख लो, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी, जब हम लोग समीकरण बनाते हैं तो ये सर्वसमिका लगती है, जिसमें आपका ये प्लस होता है और ये ए प्लस बी इंटू यक्स और प्लस ये आपका ए बी होता है बेटा, ठीक है। ये भी सभी ये क्या है, सर्वसमिकाएं हैं, लिख लो, ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये सभी सर्वसमिकाएं हैं, लिखो जल्दी से, सावन राज बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, सबको समझ में आया ना, किसी को कोई परेशानी हैरानी नहीं ना बच्चा, और सूत्र लिखो आगे, अगली सर्वसमिका लिखो बेटा, यक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये सब याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम, हाँ, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए बी, हाँ थ्री ए बी मतलब यक्स वाई और ये यक्स प्लस वाई। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ तो ए बी लिखे आ, यहाँ यक्स वाई लिखे आ, यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो यार, यहाँ भी तुम यक्स वाई कर सकते हो, यहाँ तुम ए बी कर सकते हो, ये केवल सूत्र समझो बस, इनके जो वेरिएबल्स हैं इन्हें आप बदल सकते हो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। बी एल पी म्यूजिक राजस्थानी पढ़ा नहीं जा रहा कह रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है मैं बंद कर दे रहा हूँ, फार्मूला लिख लो थोड़ा बहुत, बंद कर दे रहा हूँ, परेशान ना रहो, मैंने सोचा था एक घंटा पढ़ाया जाएगा, एक घंटा से कम नहीं होना चाहिए, आज पूरा पूरा मैंने एक घंटे पूरा किया है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ, चलो फोटो खिंचाने के लिए खड़ा था, कौनो गधा खींचवे ना भाई इतना देर तक, गजब बेइज्जती है। चलो देखो अच्छा ये सुनो, एक काम करना, आप लोग जिनके घर में दो मोबाइल होगी ना, जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे लाइव ना, आप दूसरी मोबाइल से उसका रिकॉर्ड करना स्क्रीन, जैसे मान लो तुम इस मोबाइल में पढ़ रहे हो तो दूसरी मोबाइल से ऐसे रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, आपको स्पेशल क्लास मिलेगी और इससे और बच्चे मोटिवेट होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आज आप लोग इसे ज़रूर करना, जितने बच्चे जुड़े हैं अगर 10 बच्चे भी करते हैं ना उन्हें प्रीमियम क्लास दिया जाएगा। आप लगभग के लोगों के घर में दो मोबाइल होगी, मम्मी चाचा भैया दीदी मांग लो किसी का, हाँ उसमें ऐसे रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बन जाएगा, अपने व्हाट्सएप पे भेज लेना और अपने से हमें भेज देना, जो नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पे ना उसी नंबर पे तुम्हें भेजना है, ठीक है, ये ज़रूर करना। और अगर हो सके तो ऐसे भेजवाना कि जैसे कोई तुम्हारे घर में है उससे रिकॉर्ड करवा लो, मान लो तुम बैठ के पढ़ रहे हो मोबाइल में दिख रहा है ऐसे टेबल पे, तो कह दो भैया चाचा चाची भैया भाभी कोई रिकॉर्ड कर दे पीछे से कि तुम भी दिखो, तुम भी दिखोगे और बेहतर होगा, है ना, कैसे बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन कपड़ा वपड़ा पहने रहना, चड्डी पहन के मत बैठना, बेइज्जती ना करवाना कि हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हाँ मतलब पहन लेना, चलो समझ रहे हो ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो नीचे जो नंबर चल रहा है आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना, आप सभी को प्रीमियम क्लास दिया जाएगा, पेड वाली क्लास, जो भी बच्चे भेजेंगे, जो भी बच्चे भेजेंगे उन सबको प्रीमियम कोर्स मिलेगा, मतलब जान रहे हो पेड वाला कोर्स उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन आपको ये भेजना है, बहुत ज़रूरी है, अभी बनवा लो, अभी 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 बनवा लो, तुरंत अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आगे, चलो
तो बच्चा ये इतने फार्मूले हो गए, माइनस वाला लिख लो। देखो मजा ना लो भाई, देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे घर में पढ़ते हैं, गर्मी का महीना है, हाँ गर्मी का महीना है, कोई नहीं देख रहा है, तो क्या करें, मजबूरी नहीं है, ठीक है अच्छा है। x माइनस वाई होल क्यूब, जल्दी आगे लिखो फार्मूला, लिखो फटाफट, इसमें सब माइनस होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये सूत्र याद रहने चाहिए, ठीक है याद रहने चाहिए। चलो जल्दी करो, मुझे लगता है मैंने सारे जितने भी इसमें फार्मूले थे मैंने बनवा लिया ना। देखो जिनके पास एक है वो परेशान नहीं होंगे, कोई बात नहीं है, पढ़ा तो मैं रहा हूँ वैसे भी, लेकिन जिनके पास संभव है वो ज़रूर करेंगे, जिनके पास संभव है वो ज़रूर करेंगे, जिनके पास एक है उनको कोई बात नहीं है। चलो इसको लिख लो, बस लगभग सारे सूत्र हो गए। तो बच्चा अच्छा एक बात बताओ, मैं एक पोल कर रहा हूँ इस कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसमें यस या नो करो, मुझे लग रहा है बहुत तेज बोल रहा हूँ का, एक मिनट आप लोग सिर्फ यस या नो बोल दो। अभी मैं एक पोलिंग में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसे देखो जल्दी से, क्या आपके पास अभी, देखो किसी के पास होगा, मतलब आपके घर में कोई भी हो अगल बगल, अभी कोई भी आपके अगल बगल है उसका मोबाइल लेके भी तुम कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने एक पोल किया, आप लोग उसका जवाब दे दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग वोटिंग करते रहो और मुझे ये बताओ कि आपका ज़िला कौन सा है और मतलब कहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हो रही है, आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हो रही है, आप लोग कहाँ से हो। देखो बेटा ये नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इस पर व्हाट्सएप पर वीडियो बना के भेजना ज़रूर, अगर कोई है आपके अगल बगल में, आपके मम्मी पापा, लेकिन अभी मत रिकॉर्ड करना ये जो मैं बोल रहा हूँ, कोई दूसरा वीडियो चला लेना जो मैं पढ़ाया हूँ, उसमें पढ़ाते हुए दिखना चाहिए, ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे भेजो तुम उसी को भेज दो, नहीं, चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, कोई दूसरा वीडियो चला लेना जिसमें ढंग से पढ़ाया जा रहा हो, मतलब बातचीत वाला नहीं माहौल हो, हाँ ये चीज़ करके भेजना, ठीक है, इसी व्हाट्सएप पर भेजना है, ध्यान रहे बातचीत वाला नहीं भेजना है, जो अभी बात कर रहे हैं इसको नहीं भेजना है, तुम्हें पढ़ा रहे हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब का भेजना है, वीडियो पीछे कर लेना जो पढ़ाया जा रहा है उसको भेजना है, मतलब क्वेश्चन वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसमें दिखूँ पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि ये बता रहा हूँ कहानी, ठीक है। चलो तो आज का क्लास फिर एंड करते हैं, प्यारे बच्चों अगर कोई भी शिकायत है आप लोगों की तो आप बताओ, ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। तो बच्चे हमारे जो जुड़े हुए हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं, दूर दूर से जुड़े हुए हैं, कोने कोने से जुड़े हुए हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देख लिया आज मैं किसी का पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है किसी का नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और सुन लो, कल 12 बजे दोपहर से, कल 12 बजे दोपहर से बेटा शाम को 4 बजे तक आपका एक लाइव होगा रिवीजन, ठीक है, पूरे 4 घंटे का कम से कम कक्षा 9 वालों का इसी चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर देखना, और उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी, ठीक है, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करे हो तो टेलीग्राम पे PVR स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लो बेटा, टेलीग्राम पर PVR स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ मिल जाता है, जो भेजा जाता है रोज़ भेजा जाता है सब, ठीक है, डेली भेजा जाता बेटा, सभी क्लासें आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजी गई हैं, अभी ज्वाइन करोगे अभी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो टेलीग्राम अगर तुम नहीं जानते हो क्या है तो यूट्यूब पे सर्च करो PVR स्टडी टेलीग्राम, या फिर टेलीग्राम PVR स्टडी लिख के सर्च करो, मिल जाएगा बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, निसंकोच तुम्हें एक वीडियो मिलेगा, उसमें सब समझाया गया टेलीग्राम क्या है, PVR स्टडी चैनल कैसे ज्वाइन करें, क्या फ़ायदा है इसको करने का, उस वीडियो में सब बताया गया, यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्या लिखोगे यूट्यूब पे लिखोगे टेलीग्राम PVR स्टडी, मिल जाएगा वीडियो सबसे ऊपर। बहुत बहुत थैंक यू फिर आज के लिए, अगली क्लास कल होगी, ठीक है, अगली क्लास कल सुबह होगी, और बेसिक मैथ वाला वीडियो इस समय नहीं चल रहा है, 15 अगस्त तक हमारी कोशिश है फिर से चलाएंगे, अभी नहीं चल रहा है, नहीं तो PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर रात 9 बजे देखना, हो सकता बेसिक वाला हो जाए।